दोस्तों इस साल रिलीज हुई तेजा सजा की हनुमान मूवी 2024 की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग तेलुगु मूवी मानी जाती है। इस मूवी का VFX वाकई इतना लाजवाब है कि इसके सामने आदिपुरुष जैसे मूवी भी फीकी पड़ जाती है। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी को इसी मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन्स और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार इस एक्शन मूवी को किस तरह से शूट किया गया था। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस मूवी के बिहाइंड द सीन को जानने से पहले हम इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को जान लेते हैं। इस मूवी की शूटिंग सितंबर 2021 से शुरू हुई थी, जिसके मात्र 3 महीने के अंदर ही इसके 60% से ज्यादा सीन को शूट कर लिया गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके मोस्ट ऑफ द सीन को मरेदी मिल्ली एंड पादेरू जैसे लोकेशन पर शूट किया गया था, जो कि एक्चुअल में आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा है। और यहां शूटिंग करने के लिए इसके डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने आंध्र प्रदेश में काफी जमीन को किराए पर लिए थे। और मूवी में ये जो अंजानद्री गाँव हमें देखने को मिलती है, उस पूरे गाँव को इसी सेट पर बनाया गया था। इनमें इसके चारों तरफ ब्लू स्क्रीन का एक प्रॉपर सेट तैयार किया गया था और इस लोकेशन को नाम दिया गया था हनुमान स्टूडियो। इस मूवी के ऑलमोस्ट जितने भी ग्रीन स्क्रीन और VFX वाले सीन है, उसे इसी लोकेशन पर शूट किया गया है। दोस्तों जब इसके डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने इसकी स्टोरी प्रोडक्शंस हाउस को सुनाई थी, तभी से इसके मेकर्स इस मूवी को रियलिस्टिक वे में बनाना चाहते थे। इसलिए इसके अंदर मूवी डिजाइनर इस मूवी को बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किए हैं और इसलिए इस सेट को ज्यादा से ज्यादा नेचुरल और रियलिस्टिक प्रेजेंट करने के लिए लगभग 150 से 200 दिनों तक इस पर काम किया गया है। दोस्तों अगर आपने इस मूवी को देखा है तो आपको इसका क्लाइमैक्स सीन तो याद ही होगा, जिसमें माइकल ड्रोन की मदद से पूरे गांव में MGF ड्रग का हाई कंसंट्रेशन वाला धुआं छोड़ता है, जिस वजह से गांव वाले हिप्नोटाइज हो जाते हैं। तभी हनुमान वहां आता है और सभी गांव वाले को बचा लेता है। और आप उस बिहाइंड द सीन को देख सकते हैं कि उस सीन को किस प्रकार से शूट किया गया है। वैसे ये BTS वीडियो उसी हनुमान स्टूडियो का है, जिसमें आंध्र प्रदेश के एक विलेज में सेट बनाया गया था। इस पूरे सेट को विलेज जैसा लुक देने के लिए इसमें पूरे गांव जैसे माहौल को तैयार किया गया था। उन सभी चीजों को क्रिएट किया गया था जो कि असली में गांव में पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी से बने छोटे छोटे घर, बड़ा पेड़, मंदिर और बैलगाड़ी, जिसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा क्लाइमैक्स सीन में जो धुआं भरता जा रहा था, उस धुएं को इस मशीन की हेल्प से छोड़ा गया था। दोस्तों इस मूवी का VFX वाकई काफी लाजवाब है, क्योंकि इसका CGI इफेक्ट मूवी को देखने का एक अलग ही फील देता है। इसके VFX को हैदराबाद के हेलो ह्यू स्टूडियो ने बनाया है। आप यहां देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्टूडियो के अंदर मूवी के क्लाइमैक्स सीन को बनाया जा रहा है। दोस्तों डायरेक्टर प्रशांत वर्मा चाहते थे कि भगवान हनुमान जी के कैरेक्टर को रॉकिंग स्टार यश प्ले करे, लेकिन इसके VFX टीम ने डायरेक्टर को यह विश्वास दिलाया कि हम हनुमान जी के रोल को CGI की हेल्प से भी अच्छी तरीके से बना सकते हैं। और उन्होंने कहा कि वो इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि वो देखने में कार्टून जैसा ना लगे। फिर उन्होंने इस पर पूरे 7 महीने तक काम किए और तब जाकर उनके VFX टीम ने हनुमान जी के रोल को बनाया। और जब फाइनली ये मूवी बनकर तैयार हुई तो लोगों ने इस मूवी की काफी तारीफ की और बताया कि इसका VFX वाकई आदिपुरुष मूवी से काफी अच्छी है। इस मूवी में हनुमान जी का ये काफी बड़ा स्टैचू देखने को मिलता है। वैसे असल में ये स्टैचू दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है और न ही मूवी के सेट पर ऐसा कोई स्टैचू को बनवाया गया था, बल्कि इस पूरे सीन को VFX की हेल्प से बनवाया गया था। और इसका पूरा सीन 7 हिल्स ऑफ तिरुमाला से इंस्पायर्ड है। दोस्तों पडेरू आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है और इस मूवी के काफी लोकेशन हमें इस मूवी में देखने को मिलता है, लेकिन हमें मूवी के अंदर VFX की हेल्प से थोड़ा एडवांस तरीके से इस सीन को दिखाया गया है। दोस्तों इस मूवी के लिए एक्टर तेजा को स्कूबा ड्राइविंग भी सीखना पड़ा था, ताकि वो पानी के अंदर मिलने वाले मनी सीन को परफॉर्म कर सके। दोस्तों एक्टर विनय राय ने इस मूवी में मेन विलेन माइकल का रोल प्ले किया है। और आपने मूवी में देखा होगा कि श्री ने माइकल के लिए एक स्पेशल शूट बनवाया था और आप उन्हें इस मूवी के शूटिंग के दौरान अपने स्क्रीन पर उस शूट में देख सकते हैं। दोस्तों फिल्म मेकर को इस पूरे हनुमान मूवी की शूटिंग करने में पूरे 130 दिन का समय लग गया था। आपने मूवी के अंदर देखा होगा कि ये पूरी मूवी इस मनी पर आधारित है, क्योंकि इससे एक्टर को सुपर पावर मिलती है। मूवी में बताया गया है कि ये मनी हनुमान जी की रक्त की एक बूंद है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस रुद्र मनी को बनाने के लिए मूवी मेकर ने पहले अलग अलग 100 तरीके से इस मनी को बनाया था और तब जाकर उनमें से एक मनी को सिलेक्ट किया गया था।
तो दोस्तों ये थी हाल ही में रिलीज हुई हनुमान मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन्स और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसे ही मूवी से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए।